आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। सदर प्रखंड के करिंगा गांव में गरीब परिवारों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। समाज सेवी धर्मेंद्र सिंह ने खाद्य सामग्री में आटा, चावल, आलू, प्याज, मास्क, तेल, मसाला व अन्य जरूरी सामान का वितरण किया। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए गरीब परिवार के बीच राशन उपलब्ध कराया गया। इस दौरान समाज सेवी धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में गरीब परिवारों का भरण पोषण कैसे चलेगा, यह प्रश्न चिन्ह गरीबों की पीड़ा की तरह बनकर चुभ रहा है। उन्होंने कहा कि हर वर्ग के लोगों की मदद व सेवा में हर वक्त खरा उतरूंगा। प्रतिदिन चिन्हित गरीब बस्तियों में लगातार राशन पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है, जिससे अपना जीवन यापन कर सकें। लोगों से अनुरोध है कि कोरोना वायरस जैसे भयानक वायरस से बचाव से संबंधित जानकारी दी गई, समय समय पर हाथों की साफ सफाई करना, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए 2 मीटर की दूरी से बात करना, जरूरत पड़ने पर घर से बाहर निकलना, ये सब सावधानियां बरती जाएं, तो हम होंगे अंदर, कोरोना होगा बाहर के स्लोगन अवगत कराया गया। मौके पर परशुराम सिंह, मिलन सिंह, वरुण सिंह, विजय सिंह, ओम प्रकाश सिंह, मिराज खान, जयप्रकाश सिंह, आशीष राज व अभिषेक राज शामिल थे। आज सदर प्रखंड के बड़का करिंगा में वैसे गरीब असहाय जो सभी वर्ग के हैं, वैसे को आज सूखा खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। और हम लोग निरंतर इस कर रहे हैं, जो भी सही जगह का पूरे छपरा रिविलगंज में सभी जगहों का चिन्हित करके वैसे बस्ती जहां पर निसहाय और मजबूर हैं और जो डेली कमाने खाने वाले हरेक जात के जो भी हैं सभी को हम लोग निरंतर सूखा खाद खाना वितरण कर रहे हैं। और साथ में हम लोग लगभग आज सैकड़ों की संख्या में आज हम लोगों का वितरण किया गया है और निरंतर ये पूरे छपरा और रिविलगंज सभी जगह ये वितरण हम लोगों का निरंतर। अब तक आपने छपरा में लगभग कितने गांव को टच अपने कर लिया? देखिए, लगभग हम लोग रौजा से लेते हुए डोरीगंज चिरान से लेते हुए रौजा होते हुए और हम लोग इधर साहेबगंज और आपका कचहरी और सिताब दियरा सभी जगह हम लोग जगह को चिन्हित करके हम लोग ने वितरण कर चुके हैं। कुछ कुछ वैसे अभी और हैं जो हम लोगों के पास लिस्ट में हैं, जैसे जान टोला है, बड़का तेलपा है और ऐसे कुछ कुछ और जगह रह गए जो हम लोग का लिस्ट अभी बचे हुए हैं। उस जगह पर निरंतर हम लोगों का प्रतिदिन वितरण किया जा रहा है। कोई भी ऐसा बस्ती जगह नहीं हम लोग छोड़ना चाह रहे हैं कि जहां पर असहाय लोग हैं और गरीब लोग हैं जिनको डेली कमाना खाना है, तो वैसे कोई भी बस्ती हम लोग नहीं छोड़ रहे हैं। सभी जगह वितरण आगे भी करते रहेंगे।